हेलो एवरीवन, आज आई एम बिनु खन्ना एंड आई एम हियर टू टीच यू कंफ्यूज्ड वर्ड्स। इफ यू आर इन सिक्स और सेवन एंड हैविंग द टॉपिक कंफ्यूज्ड वर्ड्स, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू इन योर एग्जाम्स, ओके? एंड यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल मार्क इन दिस पार्ट। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। And any problem, you can ask me in the comment box. So let's start with some words. Now, the first word I'm going to take is advice and advice. Okay. So the difference, what is the difference between these two is that this advice बहुत ज़्यादा easy तरीका समझने का. It means salha. Okay, it means salha, only salha. And this word means salha dena. Okay, clear? जब आप किसी भी सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करो और जैसे आंसर आपका निकले, वर्ड निकले आपका सलाह, देन यूज दिस वर्ड। और अगर आपको निकले सलाह देना, देन यू हैव टू यूज दिस वर्ड विद एग्जाम्पल। लिसन, एग्जाम्पल वन, वी शुड फॉलो डॉक्टर्स एड। ओके, आर यू डन? ओके, थिंक इन योर माइंड. Think in your mind, what will the word come here? We should follow doctor's advice. Okay. Mother dash her son to do hard work. Okay. Now you will get clear yourself. We should follow doctor's advice. हमें डॉक्टर की एडवाइस, सलाह माननी चाहिए। तो आपका वर्ड निकला सलाह, ओनली सलाह। सो विच वर्ड विल कम? दिस वन वाला, सी वाला, ठीक है ना? कौन से वाला आएगा? सी वाला विल कम। ओके, क्योंकि क्या निकला? सिर्फ सलाह निकला उसमें से। मदर डैश हर सन टू डू हार्ड वर्क। माँ ने सलाह दी बेटे को मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की। तो क्या निकली? सलाह दी। जब सलाह दी या देना हो तो कौन सा वाला लगा? क्या हो गया? एस वाला। तो कौन सा लगेगा? एडवाइस, वो भी एस ई वाला। ठीक है, क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो, मैं आपको और एग्जांपल्स इसके करा दूंगी। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी वर्ड है जिसमें आपको प्रॉब्लम लगती है। अब आ जाओ आगे वर्ड पे। ये वर्ड इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों एडवाइस दोनों का ही मतलब सलाह है, पर किस वे में आना है आपको ही देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ। दूसरा वर्ड मैं ले रही हूँ आपका अफेक्ट, जिसमें कि ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वही वर्ड्स मैं ले रही हूँ जो रट नहीं सकते, आपको समझने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप देखो, ये जो अफेक्ट होगा ना, वो पेपर में कहते रहते हैं कि आपको टीचर्स ये नाउन ये वर्ब नहीं समझ में आएगा कि क्या उस टाइम ये समझने बेटर चीज नाउन है कि वर्ब है। अंडरस्टैंड इन दिस वे, अफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस या क्या करना, चेंज। इन्फ्लुएंस या चेंज समझ लो, किसी चीज में कोई चेंज ले आओ। अगर चेंज हो जाता है किसी चीज से, कोई भी चेंज हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव अच्छाई में हो या नेगेटिव में हो, वो अफेक्ट है। ठीक है, ये जो इफेक्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज हमने ली और उसका मतलब समझ लो असर। इसका मतलब होता है असर, जो हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी असर हो गया, किसी चीज पे भी कोई चीज का असर हुआ। असर कब होता है? पहले कोई काम हो गया, जब कोई काम हो जाता है तो उसका असर होता है बाद में। मगर इससे क्या होता है कि कुछ काम हो रहा है और वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज को। अब वो देखो कैसे, एग्जाम्पल समझोगे एकदम आपके क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे कि सेंटेंस है ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, क्लाइमेट पे असर डाल दिया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग ने क्या करा, अफेक्ट किया किसको, क्लाइमेट को। ठीक है ना,
तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, उसे क्या हो रहा है, क्लाइमेट पे अफेक्ट आ रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस लें, इसी तरह से अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन द वॉज ऑन द क्रॉप ग्रोथ। ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हुआ, द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वॉज ऑन द क्रॉप ग्रोथ, या वॉज ऑन द क्रॉप ग्रोथ का ना कि क्रॉप ग्रोथ पर हुआ उसका असर, ये क्या होगा, जो ये वाला इफेक्ट होगा ना ज्यादातर पास्ट में होगा, इसका ये हो सकता है, ये तरीका ढूंढ लो। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऐसे भी आ सकता है, कैन बी सीन, वो देखा जा सकता है किस पे, क्रॉप ग्रोथ के ऊपर। तो इसमें क्या है, जो इसका ये जो होता है ना, ये मतलब कोई काम पहले हो चुका है और उसका असर दिखाई दे रहा है। तो इफेक्ट जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई उससे जो है उसका इफेक्ट किस पे दिखाई दे रहा है, क्रॉप ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो इफेक्ट होता है ये ज्यादा चेंज लाने के लिए हो रहा होता है, मतलब कोई चीज को चेंज कर रहा होता है। तो ये जो होता है अफेक्ट, इसको हम अफेक्टेड भी लिख सकते हैं, आ सकता है अफेक्ट्स भी आ सकता है, पर ये इफेक्ट ही रहता है, ये जो ई वाला होता है ये इफेक्ट ही रहता है, पर ये एट वाला जो होता है अफेक्टेड भी हो सकता है, अफेक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब की तरह होता है इसलिए। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया फिर बता देना कमेंट बॉक्स में, पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी दोबारा से एग्जाम्पल्स कई सारे लेकर, क्योंकि अभी थोड़े से वर्ड ज्यादा है इसलिए मैं एग्जाम्पल कम ले रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लो, अब इजी थोड़े से, ये दोनों में ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, जो सिक्स स्टैंडर्ड में है बच्चे, जिनके सिलेबस में दो दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक वर्ड बताती हूँ, नेक्स्ट लेंगे हम ए डबल एस ई एन टी असेंट, और एक है आता है असेंट। इस वाले का मतलब ये होता है, असेंट का मतलब परमिशन के लिए, ठीक है ना, कि मुझे तुम्हारी असेंट की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे गुस्सा आ जाते हैं कि भाई, या टीचर से, टीचर ने कहा कि प्रिंसिपल से कि आई डोंट नीड योर असेंट, कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाऊँ, सो आई डोंट नीड योर असेंट, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पर ये जो होता है सी वाला, ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए होता है, ये ऊपर चढ़ने के लिए होता है, स्टेयर्स पे चढ़ना हो, ये सी से पहचान लेना, ये आता है हमारा क्लाइंब के लिए। सी का मतलब देखो, यहीं से, यहाँ से आसानी से पकड़ लेना, जो सी वाला होगा ना उसको ना क्लाइंब ऐसे पहचान लो, इसका मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, तो ये होता है क्लाइंबिंग के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए असेंट। इसकी पहचान क्या रखो, ये बीच में सी लिखा हुआ है, इसे समझ लेना क्लाइंब ऊपर चढ़ने की बात हो रही है। इसमें पहचान लेना असेंट ही बना परमिशन के लिए होता है, कि मुझे तुम्हारी असेंट की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस है तो उसमें ये वाला असेंट लगाना। ठीक है, और वर्ड्स बताती हूँ आपको जो आपके सिलेबस में है, और आपको बहुत जल्दी से इनका डिफरेंस वहां पर समझ में आ जाएगा। एक वर्ड याद कर लेना है इसमें से, प्रिंसिपल, ठीक है, और एक वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। अगर आपके और भी वर्ड्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिटी कर दूंगी। ये जो होगा ना पी ए एल वाला, ये सर के लिए आता है, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल। ये वाला क्या होता है, रूल्स हैं, नियम हैं जो हमारे, उनको फॉलो करते हैं उसके लिए आता है। तो जो ये वाला हो ना, इसको कैसे पहचानोगे, कैसे वहाँ पे एग्जाम में फिर पूछ जाता है, अरे कौन सा वाला था, कौन सा वाला था, नहीं याद आ रहा, ये पाल से याद कर लेना, है ना, डॉक्टर पाल, क्या कहते हैं पी ए एल पाल, पाल के कास्ट है पाल, पाल सर, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है ना, ये पल हो गया, ये पाल हो गया, तो पाल सर, तो इसका ना सर आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद एक वर्ड और आता है जो आपके सिलेबस में है, मैं वो ही करा रही हूँ, जैसे कि आप ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, और आपको अगर कोई और वर्ड पूछना तो मैं से पूछ लेना, जो कर लेना। एक स्टेशनरी, ये ए आर वाई वाला, और एक होता है ई आर वाई वाला, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसके अंदर क्या है, स्टेशन एरी, ये ई, तो अब ये जो होता है स्टेशनरी, ये चीजों के लिए आता है जो कांस्टेंट, मतलब जैसे कि स्टेशनरी है, कांस्टेंट है इस तरह से, जैसे कि द स्टार्स आर कांस्टेंट, द सोलर सिस्टम के बारे में आता है, द स्टार्स आर कांस्टेंट इन द स्काई, ऐसे सॉरी कांस्टेंट इन स्टेशनरी, है ना, तो इस तरह से। और ये जो होता है ना ई आर वाई वाला, ये आप याद कर लेना, बुक्स के लिए आता है, बुक्स जहाँ से मिलती हैं, स्टेशनरी शॉप,
बुक्स मिलती है, पेपर मिलता है, पेन मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? स्टेशनरी शॉप से मिलता है। तो ये जो आएगा हमारा, ये वाला स्टेशनरी किसके लिए है ना? किताबें कॉपी वाला। ये किसके लिए है ना? कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब कोई चीज कॉन्स्टेंट है, रुकी हुई है, उनके लिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। और जो वर्ड्स आएंगे मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। अच्छा, आप देखो और जो वर्ड है मेरे को जो पता चले हैं जो है, इसी तरह से आपके कुछ वर्ड्स हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट है ना, देखो एक वर्ड है यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट, और एक वर्ड है आपका ये वाला कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस क्या है सर? यहाँ पे आई है और इसमें ई है। तो भाई जब याद कर लो, जब आई, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम, किसी की प्रशंसा करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, है ना? तो नाइस कॉम्प्लीमेंट, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की प्रशंसा करना। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, है ना? ये सब क्या होते हैं? यू आर वेरी स्टूडियस, तुम बड़े पढ़े हो, बहुत स्टूडियस हो, पढ़ते हो, बहुत अच्छे हो, पढ़े वाले वो। तो ये जो सब कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, है ना? ये कॉम्प्लीमेंट के लिए ना दो चीज़ें होंगी, ई वाले के लिए दो चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है ना? जैसे कि राइस कॉम्प्लीमेंट किसको होता है? किसको? दाल को। मतलब राइस और दाल जो है इकट्ठे खाते हैं ना, दाल चावल इकट्ठे खाते हैं, तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है, है ना? तो इस तरह से आएगा ये वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक वर्ड और ले लें, दो वर्ड्स और, एक वर्ड इस पर आ जाओ, फर्दर एंड फर्दर पे। ये वर्ड है हमारा फर्दर, और एक वर्ड होता है ये एफ यू आर वाला, है इसका मतलब होता है दूर। मतलब कि जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ ले लो, ठीक है? तो दिल्ली जो है लखनऊ से ज़्यादा दूर है, ज़्यादा किससे? देन गाजियाबाद। तो दिल्ली इज फर्दर, फर्दर फ्रॉम लखनऊ देन गाजियाबाद। मतलब कि एक जगह दूसरी चीज़ से क्या है? दूर है, डिस्टेंस बता रहे। इसमें किसकी बात हो रही है ना? डिस्टेंस की बात हो रही है कि एक जगह जो है दूसरी जगह से बहुत दूर है। इस तरह से ये फर्दर का मतलब होता है, जैसे कि मैं जो हूँ अभी स्कूल जाने में मुझे 2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल पहुँचने के लिए अभी 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है आगे, समझ लो, ठीक है? ये भी डिस्टेंस ही बता रहा है, मगर ये क्या होता है? ये एडिशनल बता रहा होता है। जैसे कि जो हमें टेम्पल जाना है या मंदिर जाना है, तो हमें जाने के लिए अभी 3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, है ना? तो और चलना पड़ेगा मतलब ये आगे की बात है, मतलब इतना तो हम चलिए और आगे, एडिशन में, है ना? तो सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है ना? जैसे कि सेंटेंस है आपका, हाँ, राम्स हाउस, है ना? जैसे मैं आपको सेंटेंस ले रही हूँ, राम्स हाउस, राम का घर इज डैश, मतलब ये वाला फर्दर है, ये फर्दर है ना, अपने दिमाग में सोच लेना। राम्स हाउस इज फर्दर या फर्दर फ्रॉम सीतास हाउस। राम का घर जो है सीता के घर से दूर है, देन माई, मेरे, मतलब राम्स हाउस, राम का जो घर है वो सीता के घर से दूर है, देन माइन, मतलब मेरे घर के तो पास है पर सीता के घर से ज़्यादा दूर है, है ना? तो राम्स हाउस इज कौन सा आएगा ना? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी, आगे जाने की तो नहीं बात कर रहे हैं ना, इतना ही डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये वाला फर्दर लगेगा, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं कि सेंटेंस अगर हमारा हो जाता है, जैसे we have to go 5 kilometers dash to reach school, है ना? ये we have to go, हमें जाना पड़ेगा 5 kilometer further के further to reach school, मतलब आगे 5 kilometer हमें और आगे जाना पड़ेगा स्कूल पहुंचने के लिए, तो मतलब ये वाला फर्दर, ठीक है ना? इसमें क्या है कि ये सोच रहे, ये फिक्स डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस हमें और चलना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक? आप देखो
कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ग्रामर के पोर्शन में आपको आए तो देन यू कैन आस्क मी। है अब देखो इसी तरह से वर्ड है आपका प्रीसीड और प्रोसीड। प्रीसीड का मतलब प्री प्रीपेड, पता है ना आपको, प्रीपेड कर देते हैं कि हम बिल को मतलब पहले ही दे देते हैं, तो इसका मतलब पहले। और प्रो का मतलब आगे, आगे का मतलब या फॉलो करना। फॉलो करना का मतलब किसी चीज को हम फॉलो करते हैं तब लगाते हैं प्रो। प्री का मतलब पहले, ठीक है ना। पहले का मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं किताब, पहले पढ़ते हैं और फिर कुछ लिखते हैं, है ना। तो हम जब किताब पहले पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रीडिंग शुड, पहले पढ़ो ना, पहले पढ़ लो फिर लिखोगे ना आप, बिना पढ़े कैसे लिखोगे। तो रीडिंग शुड प्रीसीड, क्या लगाएंगे हम, रीडिंग शुड प्रीसीड राइटिंग। पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे लिखने बैठोगे तो नहीं कुछ पता ना। इसी तरह से अब देखो दूसरा सेंटेंस आता है प्रोसीड का। प्रोसीड में क्या करोगे आप, प्रोसीड प्रोसीड करना, फॉलो करना। जैसे कि आपको एक लेसन आपने पढ़ लिया, मान लो है ना, एक लेसन आपने पढ़ लिया, और मैं आपको इसका एग्जांपल और भी बता देती हूँ। अगर एक आप लेसन पढ़ लेते हो तो हम कहते हैं यू हैव डन फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, यू हैव डन फर्स्ट चैप्टर। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ जाओ। प्रोसीड नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्रोसीड करना अगला चैप्टर पे प्रोसीड हो जाओ, मतलब अगले चैप्टर पे फॉलो करो या अगले चैप्टर पे जाओ। आई बात समझ में, ठीक है, नहीं आ रही होगी बार बार कह रही हूँ, पूछ लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ और वर्ड्स, एक दो वर्ड्स और ले लेते हैं जो मुझे पता है आपके सिलेबस के हैं, तो वो है मेरे को लग रहा है बस हो चुके हैं। हाँ, एक आधा वर्ड वो मैं आपको बता सकती हूँ। एक वर्ड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस वाला, एक वर्ड होता है प्रैक्टिस और एक वर्ड होता है ये वाला, इसमें डिफरेंस इज एस और सी का आता है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिस होता है जैसे कि डॉक्टर प्रैक्टिस, लॉयर की प्रैक्टिस, है ना, मतलब जो काम करते हैं प्रोफेशनल्स उनकी बात आ जाएगी, ठीक है। डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वाला आएगा सी वाला, है। और ये वाला जो प्रैक्टिस होता है ना, तो हम कहते हैं कि रोज प्रैक्टिस करा करो सम्स की, है ना, रोज प्रैक्टिस करा करो सम्स की तभी मैथ्स आएगा, तो ये वाला प्रैक्टिस लगेगा। तो यू शुड प्रैक्टिस मतलब बार बार वो रोज काम करना, किसी चीज़ की तैयारी करना। यू शुड प्रैक्टिस डेली, तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली, किसकी, ऑफ सम्स की, मतलब रोज किसी काम को करना, ठीक है ना, ऑफ सम्स कि भाई तुम उसमें परफेक्ट हो सको, है ना। तो वो आता है ये वाला, इस वाला। ये तो होता है जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि ये मतलब बन जाते हैं प्रोफेशनल्स में जाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर प्रैक्टिस करता है ना, हम कहते हैं कि वो अपना काम करता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, तो ये सी वाला लगेगा, ठीक है। अब और कोई प्रॉब्लम आए देन प्लीज़ आस्क मी, आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू। Okay, thank you. Thank you for watching my video.